नाग पंचमी पर अचानक ही पांडु का दंगल दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पलसूद में नाग पंचमी पर अजीबोगरीब पांडु का दंगल दिखाई दिया। जिस दंगल में लड़ाई को देखने के लिए लोग पैसे देते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं। ऐसी प्रतियोगिताएं यदि निःशुल्क देखने को मिले और लोगों का हुजूम लग जाए तो मजा ही कुछ और होता है। ऐसा ही नज़ारा पलसूद में दो पांडु की लड़ाई देखने पर मिला। कान्हा धौरनगर और उनका भाई अपने पांडे और भैंसों को चराने के लिए राजपुर रोड पलसूद की तरफ निकले ही थे कि अचानक उनके दोनों पांडे आपस में भिड़ गए। वे बताते हैं, अक्सर यह पांडे आपस में लड़ते हैं लेकिन सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए, लेकिन आज नाग पंचमी के पर्व पर इनकी लड़ाई करीब 1 से 1.5 घंटे तक चली रही, जहां लोगों का हुजूम लग गया। पास ही नाग मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई। लोग यह नज़ारा देखने के लिए रुके हुए हैं। लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। खबर विस्तार से जानने के लिए देखिए कैमरामैन काली जायसवाल के साथ रिपोर्टिंग इंचार्ज उमर फारूक से की रिपोर्ट। मेरा नाम कान्हा धनगर है। मैं भैंसों चराने इधर लाया, ये भाई भी लाया एक चराने, दोनों पाड़े इकट्ठे हुए और इनका दंगल हो गया। करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया इनको लड़ाई करते करते हुए। हम भी थक गए हैं लड़ाई छुड़वाने के चक्कर में। बाकी पब्लिक भी जमा हो रही है, पब्लिक भी भीड़ इकट्ठी हो रही है, सभी छुड़वा रहे हैं, सभी भाई बंदी मिलकर छुड़वा रहे हैं, बाकी छुड़ नहीं रहे हैं। बाकी अब उनकी मर्जी आएगी जब छूटेंगे वो। हमेशा ऐसी लड़ाई होती है 5 से 10 मिनट हमेशा ऐसी लड़ाई होती, मस्ती करके चले जाते हैं। लेकिन आज क्या मालूम क्या हुआ, आज 1 से 1.5 घंटा से ऊपर हो गया है, अभी तक छूट नहीं रहे हैं।